नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम में। मेरा नाम है समीर सिंगल और आप सभी हैं हमारे इस चैनल पर एंड इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ खान एकेडमी। तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अर्थ, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और इसमें हम बात करेंगे अर्थ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एज वेल एज एपीहीलियन पेरिहीलियन के बारे में, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को विंटर सोलस्टिस समर सोलस्टिस का भी पूरा पैटर्न समझाऊंगा। तो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। उससे पहले सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ और सेशन को लाइक भी करते चलेंगे। और जो दोस्त मेरे साथ पहली बार इस सेशन में जुड़े हैं वो इस सेशन को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द अर्थ, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं जैसा मैंने बताया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। उससे पहले फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले शुरुआत करने से पहले बिल्कुल आप लोगों को मैं बता दूं कि आज का सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है। और चलने से पहले दोस्तों बिल्कुल सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली टू ऑल। एंड वी ऑल होप दैट इस बार जो है बस कोरोना से आजादी मिल जाए, ठीक है। हर त्योहार पे हर बार मैं यही बात कहता हूँ कि बस इस कोरोना को लेके चले जाओ भाई, और फिर जो है हम वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीना शुरू करें, है ना। चलो तो इसी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं। देयर इज अ लिटिल बायो अबाउट मी गाइस, देयर इज अ लिटिल बायो, यू कैन पॉज एंड यू कैन रीड अबाउट मी। आफ्टर दैट वी विल नीड टू टॉक अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। व्हाई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट दोस्तों? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलता है लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशंस। और इन डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ साथ आप अपने प्रॉपर गाइडेंस को भी पाते हैं अपने प्रॉपर एजुकेटर्स के साथ। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको पढ़ाते हैं, इनके साथ आप जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का फायदा ये होगा कि लाइव क्लासेस के साथ साथ इंटरेक्ट होगा, वन टू वन इंटरेक्शन होगा, जिसमें कि आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और प्रॉपर गाइडेंस आपको उन्हीं लोगों से मिलेगी जिन्होंने इन एग्जाम्स को कभी ना कभी कवर किया हुआ है, या फिर उन सर्विसेज से रिटायर्ड होकर यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया आर टीचिंग यू फॉर योर एग्जाम्स। Do join us on Unacademy subscription. Unacademy subscription पे आने के लिए दोस्तों सबसे पहले Unacademy application को install कीजिए, Unacademy learning application को, और इसमें login कीजिए and you are on. और उसके बाद दोस्तों आपको करना होगा Unacademy subscription के लिए apply. तो Unacademy subscription में आप अपना vertical choose कीजिए, get subscription पर जाइए और जाकर यहाँ पर आपको जितने समय के लिए coaching चाहिए या आप involve होना चाहते हैं उतने समय के लिए आप induct हो सकते हैं Unacademy subscription के साथ प्लस सब्सक्रिप्शन में। और यहाँ पर आपको कोड यूज करना होगा semi10 will be the code by which you can get 10% discount on all Unacademy subscription. So do use this code for the Unacademy subscription. चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात आती है मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारी पृथ्वी है, इससे संबंधित फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे और फिर आगे हम बात करेंगे आपके अन्य टॉपिक जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अर्थ से संबंधित क्या क्या बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो अर्थ के बारे में यही आती है कि इसकी तो कितनी है भाई। कोई भी हम चीज किसी भी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो हम एक कहीं ना कहीं अंदाजा लगाते हैं कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी होगी, क्या ये कितनी उम्र का रहा होगा भाई, हमारी हम उम्र का है, हमसे बड़ा है, तो हम उसी प्रकार से उसको आदर देते हैं। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी की भी एक उम्र है और पृथ्वी को आदर देना हम सबका कर्तव्य है। और इसकी उम्र है दोस्तों 4.5 बिलियन वर्ष। इसकी उम्र कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स इज द एज ऑफ अर्थ। 450 करोड़ वर्ष पुरानी है हमारी धरती। अगर ये बात की जाए कि धरती की यह उम्र हमने कैसे पता की है, तो ये उम्र दोस्तों हमने पता की है बाय कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग इज द प्रोसेस विच इज यूज टू मेजर द एज ऑफ fossils and of the rocks. तो जिससे हमें हमारी पृथ्वी की उम्र के बारे में पता चलता है, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं। अगली बात आती है that what is the shape of earth. अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि धरती गोल है, ठीक है। चलिए इस चीज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारी धरती स्फेयर है, अगर हमारी धरती गोलाकार है, तो गोलाकार चीज कैसी होती है? गोलाकार चीज कुछ इस प्रकार की आपको दिखेगी। कहने का मतलब है कि गोलाकार चीज में क्या होगा कि आप किसी भी पॉइंट से आप इसके किसी भी एंड पर जाओगे तो आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा, बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
भाई आप सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, तो कोई भी स्फेरिकल चीज होती है उसके सेंटर से उसके किसी भी एंड पर आप जाओगे वहां पर आपको रेडियस जो है बराबर मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ एक गोलाकार चीज सभी दिशाओं में बराबर डिस्टेंस पर है। लेकिन जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें पता है कि पृथ्वी का पोलर डायामीटर बोलें, और अगर हम पृथ्वी के पोलर डायामीटर की बात करें तो पृथ्वी का पोलर डायामीटर कितना है, ये है दोस्तों 12,714 किलोमीटर। वहीं पर जब हम इसके इक्वेटोरियल डायामीटर की बात करें, यानी इक्वेटर पर इसका कितना डायामीटर है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो ये कितना आता है दोस्तों, ये आता है आपका 12,756 किलोमीटर। तो यानी कि दोनों के बीच में 42 किलोमीटर का फासला है। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, बल्कि हम क्या बोलेंगे, हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो है जियोइड शेप। द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड एंड ऑल्सो वन मोर वर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन दिस शेप, दैट इज ऑब्लेट। इसको हम डिफाइन करने के लिए ऑब्लेट शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द वर्ड दैट वी कैन यूज फॉर द शेप ऑफ अर्थ। The shape of Earth is oblate or geoid shape begins। तो ये तो बात हुई कि हमारी पृथ्वी जो है दोस्तों कैसी है, oblate है, geoid है, polar diameter कम है, equatorial diameter ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि poles पर हमारी पृथ्वी कैसी होगी, चपटी हो, हल्की सी चपटी होगी। तो चपटाकार आकार भी इसको कहते हैं, चपटाकार आकार भी इसको कहा जाता है। So that is the thing। अब इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि आप लोग अक्सर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं एग्जाम्स में, और वो क्वेश्चन क्या होता है, वो आपसे एक चीज पूछता है कि ये बताओ कि जो स्मॉल जी है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये आपका इक्वेटर पर कितना होगा और पोल्स पर कितना होगा, ठीक है। तो आप सबको एक बात आप सबको पता है कि जो जी होता है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। अब बात ये आती है कि ये जो स्मॉल जी है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। यानी रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ग्रेविटी कितना होगा, कम होगा। तो इसी फॉर्मूले को लगाते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं कि जी की वैल्यू इक्वेटर पर कैसी होगी, मिनिमम होगी। और वहीं पर जब हम बात करते हैं पोल्स पर, तो पोल्स पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम ये ज्यादा से ज्यादा 9.2 जाता है, ये नहीं कि इक्वेटर पर बहुत ज्यादा लो चला जाता है, जीरो तक नहीं चला जाता, बस 9.2-9.3, ठीक है, इतना जाता है। मैक्सिमम होता है पोल्स पर, और जितना आप पोल्स की तरफ बढ़ते जाओगे उतनी ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, और जितना इक्वेटर के पास आते जाओगे उतना ये घटती जाएगी। सो दैट इज द थिंग बिहाइंड दिस कंसेप्ट। तो यहां तक हमने दो तीन चीजों के बारे में बात करी, सबसे पहले एज, उसके बाद हमारी धरती की रेडियस और उसका डायमीटर, और उसके बाद उसकी शेप, और जी की वैल्यू कहां पर कितनी, इन सब बातों को। इसके अलावा पृथ्वी से संबंधित एक और बात अक्सर पूछी जाती है, और वो बात क्या होती है उसको यहां पर देख लीजिए। सबसे पहली बात जो पूछी जाती है दोस्तों वो होता है कि मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑफ ऑन अर्थ, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, धरती की भूपरपटी में यानी क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, आंसर विल बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑलमोस्ट 46% इन द क्रस्ट एग्जिस्ट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 46% यहाँ पर पाई जाती है लगभग। इसके बाद अगली बात करेंगे तो अगला आता है दोस्तों, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए, तो आंसर आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। क्या आंसर होना चाहिए, एल्यूमिनियम विल बी द आंसर, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम। भाई जब हम क्रस्ट को पढ़ते हैं तो क्रस्ट में क्या पढ़ते हैं, क्रस्ट इज मेड ऑफ सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर सी आया है तो सी क्या होगा, सिलिकॉन, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए विच इज द मोस्ट अबेंडेंट, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट सेमी मेटल एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूपरपटी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अर्ध धातु कौन सा है, तो ये होगा दोस्तों आपका सिलिकॉन, ये होगा आपका
सिलिकॉन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो दैट इज द सिलिकॉन। तो ये तो बात हुई किसके बारे में कि पृथ्वी के ऊपर पट्टी के बारे में कि इसमें कौन कौन से धातु पाए जाते हैं। इसके बाद अब एक और चीज आती है, एक और चीज आती है कि दोस्तों अगर आपको पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण क्षेत्र से बाहर जाना है तो उसके लिए आपके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द एस्केप वेलोसिटी, क्या लिखोगे, एस्केप वेलोसिटी। तो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू एग्जिट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, धरती के गुरुत्व आकर्षण बल से बाहर निकलने के लिए जिस घन जिस वेग की हमें आवश्यकता होती है उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि जो आपके रॉकेट्स होते हैं वो मिनिमम किस स्पीड पर तो उड़ते ही हैं तभी वो धरती के कक्ष से बाहर निकल पाते। तो ये होती है दोस्तों आपकी एस्केप वेलोसिटी। इसके बाद कुछ और बातें अगर हम यहाँ पर करें पृथ्वी के बारे में, तो कुछ और बातें यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों पृथ्वी जो है पृथ्वी का रोटेशन और रिवॉल्यूशन कितना कितना होता है, ये और बात आप कर सकते हैं, ठीक है। अब रोटेशन की बात आती है तो पृथ्वी का जो रोटेशन होता है ये होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। धरती का जो रोटेशन होता है यानी धरती का जो घूर्णन होता है वो कितना होता है, कितनी देर में हो जाता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। हालांकि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइड रियल डे, तो हम बोलते हैं क्या, साइड रियल डे बोलते हैं। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए व्हाट इज द सोलर डे रोटेशन टाइम, अगर आपसे पूछा जाए कि सौरवे दिवस घूर्णन समय कितना होता है तो वो होता है 24 घंटे। साइड रियल डे क्या होता है, जब हम सूरज के अलावा किसी और तारे को रेफरेंस मान के समय को गिनती करते हैं तो उसमें इसका समय कितना निकल के आता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये एक डिग्री आगे बढ़ जाती है और दोनों में 4 मिनट का फासला लगभग आ जाता है। तो दैट इज द थिंग, वो साइड रियल डे है, ये सोलर डे होता है। हम जो हमारी धरती पर समय गिनते हैं वो सोलर डे के हिसाब से। इसी प्रकार पृथ्वी को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, व्हाट इज द टाइम दैट इट टेक्स टू फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, धरती को अपना एक चक्र सूरज के तरफ सूरज के चारों तरफ काटने में कितना टाइम लगता है। सो द आंसर इज 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकंड्स। सो दिस इज द टाइम दैट इट टेक्स फॉर बाय अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। ये धरती सूरज के जब चारों तरफ एक बार घूमती है तो इतने समय में घूम जाती है। अगर हम इसको ग्रॉस ले लें तो कितना लेंगे, हम इसको लेंगे 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब इस तरह से जब 6 आवर्स चार बार हो जाता है, जब इस तरह से 6 आवर्स को हम चार बार काउंट कर लेते हैं तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 24 आवर्स। एंड इन द फोर्थ ईयर व्हेन इट बिकम्स 24 आवर्स वी एड जस्ट वन मोर डे in the total revolution days and that are the 365 days, so isme hum ek aur add kar denge and the answer will be 366 days, so that is why in the fourth year we celebrate it as a leap year or we count it as a leap year, hum ise leap varsh ke taur par mante hain, theek hai। so that is the thing, that is the concept behind all these things। ye baat aa jati hai rotation aur revolution ke bare mein ki rotation aur revolution kitna hota hai। iske baad अब हमारी पृथ्वी से संबंधित कुछ और भी फैक्ट्स हैं, कुछ और भी थ्योरीज हैं। जैसे कि एक थ्योरी आती है जिसका नाम होता है दोस्तों हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी किसने, अल्फ्रेड वैगनर ने। अल्फ्रेड वैगनर ने ये बताया कि हमारी पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के आपके जो मूवमेंट्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, उसके बारे में सबसे पहले अल्फ्रेड वैगनर ने बताया। फिर इस परिभाषा को और ज्यादा डेप्थ में जाकर बताया हैरी हैस ने, इन्होंने 33 सागर से हिमालय के जन्म के बारे में भी बताया। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के बारे में खोजें चलती रहती हैं, अनेकों प्रकार की बातें आती रहती हैं। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ये बात सबको पता है। एंड व्हाई इट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट, इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि 70-71% ऑफ अर्थ इज वाटर, धरती पर 70-71% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है।
और इस बारे में इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इन अवर सोलर सिस्टम द ओनली प्लैनेट एग्जिस्ट ऑन विच द लाइफ सस्टेन। हमारे सौर मंडल में केवल एक ही ग्रह ऐसा है जिसमें आपकी क्या पाई जाती है, जिसमें आपकी जिंदगी पनपती है। ठीक है, तो ये इकलौता ऐसा ग्रह है अब तक हमारा पाया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द फैक्ट्स। अब आगे चलते हैं, आगे अब हम बात करने वाले हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को शेयर और लाइक करते रहिएगा और इन फैक्ट्स को एक कॉपी में लिखते रहिएगा। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। हम हमेशा इन चीजों को रटते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे इन चीजों को थोड़ा सा समझ के करने की। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में जब बात करते हैं तो एक कंसेप्ट समझिएगा, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों को समझने के अपने अपने तात्पर्य हैं और दोनों से हम कुछ चीजें निकालते हैं। जैसे कि जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो लैटिट्यूड से हम समझते हैं सीजन को, जो हमारी पृथ्वी पर सीजन चेंज होता है, जो मौसम में परिवर्तन होता है वो कैसे हो रहा है, तो लैटिट्यूड से वो समझते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो समय समय की गणना हम कर रहे हैं, समय की या तारीख की गणना हम कर रहे हैं, उसको करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, लॉन्गिट्यूड्स की। तो इन दोनों के अपने अपने कार्य हैं, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं और इस प्रकार का ग्रिड सिस्टम बनाते हैं तो इनसे हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स, इनसे हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट। भाई आपने कई बार सुना होगा कि कुछ इस प्रकार के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे कि 47 डिग्री नॉर्थ एंड 57 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये रैंडमली मैंने उठा लिया है, तो 47 डिग्री नॉर्थ 57 डिग्री ईस्ट, ये क्या है, ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक प्रकार का कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट से हम क्या पता करेंगे, जिस पॉइंट पर ये बैठा है, तो 47 डिग्री नॉर्थ 57 डिग्री ईस्ट यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये पाया जाएगा। अभी ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लैटिट्यूड पर चलते हैं और इस कंसेप्ट को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड्स आपके सामने हैं। लैटिट्यूड्स में जो आपका जीरो डिग्री है दोस्तों, जीरो डिग्री को हम क्या बोलते हैं, जीरो डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटर। जीरो डिग्री को हम किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको विषुवत रेखा कहते हैं और इसी को हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, यानी कि बड़ा गोलार्ध इसको कहा जाता है। अब ये जो जीरो डिग्री है ये क्या करती है, जीरो डिग्री यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो, जीरो डिग्री हमारी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। कौन कौन से, एक होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया ऊपर वाला, और नीचे की बात करें तो नीचे हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर। नीचे आपका क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया यानी कि दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो दो प्रकार के हिस्सों में ये बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात करेंगे इन दोनों के ही बारे में कि कैसे यहाँ पर ये सारी रेखाएं इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि हमारी जो ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये आपकी जो रेखाएं हैं ये किसको समझने में मदद करती है, मौसम को समझने में। लेकिन वो चीज हम समझेंगे जब हम विंटर सोल्स्टिस समर सोल्स्टिस पर बात करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि इसमें से पांच मुख्य रेखाएं होती हैं जिनको आपको याद रखना है। जीरो डिग्री इक्वेटर, जिसको हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, ये क्या करती है, ये धरती को दो हिस्सों में बांटती है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट रेखा आती है दोस्तों, वो आती है 23 and a half degree north, और इसको हम बोलते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम क्या बोलते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद आता है आपका, आगे चलें तो 66 and a half degree north आता है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसका नाम होता है दोस्तों आपका आर्कटिक सर्कल। इसका नाम क्या होता है, आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक गोलार्ध इसको कहते हैं। और इसके बाद और ऊपर जाएं तो आपका आता है दोस्तों 90 degree north, और 90 degree north को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो इस प्रकार से ये आपके चार मुख्य अक्षांश रेखाएं आ जाती हैं। अभी तीन और आएंगी, तीन कौन कौन सी आएंगी, अब दक्षिण में चलो, दक्षिण में चलोगे तो आपकी आ जाएगी 23 and a half degree south। 23 and a half degree south को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसको कहा जाता है। इससे नीचे चले तो आपका आ जाता है 66 and a half degree south, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एंटार्कटिक सर्कल। इसको हम बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। और इससे और नीचे जाओगे 90 degree south में तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों क्या, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका साउथ पोल।
यहाँ पर आपको मिलता है आपका साउथ पोल आपको मिल जाता है। सो दिस इज द पर्टिकुलर ऑल द लैटिट्यूड दैट यू नीड टू नो अबाउट। अब एक बहुत ही कंसेप्चुअल बात समझ, देखो क्या होता है, आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इस तरफ ऐसे घूमती है, ठीक है, ये आप सबको पता होगी बात। अब जब आपको पता है कि ये पश्चिम से पूर्व घूम रही है और सूरज जो है पूर्व से उगता है, तो यानी कि पूर्वी हिस्से में पहले सूरज उगता है, पश्चिमी हिस्से में बाद में उगता है। अब यहाँ पर एक और बात, जब यहाँ पर धूप पड़ती है तो ये जो रेज होती है ना, ये होती है वर्टिकल रेज, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल रेज बोलते हैं, कई बार इनको परपेंडिकुलर रेज भी कहते हैं। साल भर में दो चीजें होती हैं, क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा, साल भर में दो चीजें होती हैं। एक तो हमारी धरती जो है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री के झुकाव पर है, पहली बात, हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री के झुकाव पर है, ये बात आप सबको पता है। और दूसरी बात आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी अंडाकार आकार में इलेप्टिकल पाथ पर क्या लगाती है, सूरज का चक्कर लगाती है। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, यही दो बातें, यही दो कारण होते हैं दोस्तों जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर सीजन चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन आता है। कैसे भाई, इन दोनों कारणों की वजह से ये जो परपेंडिकुलर रेस थी ना, ये ट्रेवल करती है, और ये ट्रेवल करती है कहां तक, ये जाती है 23.5 उत्तर तक और दक्षिण में जाती है 23.5 दक्षिण, ना इससे ऊपर जाती और ना इससे नीचे जाती। ये मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल रेस के बारे में, यानी कि परपेंडिकुलर रेस, ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। वर्टिकल रेस ना 23.5 उत्तर से ऊपर जाएगी, ना 23.5 दक्षिण से नीचे जाएगी, केवल इसी एरिया में ट्रेवल करेगी हमेशा। उससे ऊपर धूप जाएगी जरूर, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जाएगी, इसलिए 23.5 उत्तर से ऊपर जाते जाओगे जितना टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और 23.5 से जितना नीचे जाते जाओ, दक्षिण से जितना नीचे जाओगे वहां पर भी टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, जैसे कि 66.5 उत्तर 66.5 दक्षिण के बारे में बात की। तो यही फिनोमिना होता है कि हमारी पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होता है। अब इस कंसेप्ट को मैं आगे आपको जब विंटर सॉल्स्टिस और समर सॉल्स्टिस समझाऊंगा उसमें ध्यान रखिएगा, वहां पर यही चीज आपकी समझ में आपको आएगी। अभी और क्या बातें आती हैं आपके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से संबंधित, तो याद रखिएगा टोटल लैटिट्यूड्स, कुल अक्षांश रेखाएं दोस्तों कितनी होती हैं, टोटल लैटिट्यूड्स के बारे में चर्चा की जाए तो याद रखिए टोटल लैटिट्यूड्स होती है 181। कैसे काउंट करेंगे भाई, ये 0 डिग्री, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरह से जाओगे मैक्सिमम नंबर, नीचे की तरफ आओ तो 1 2 3 4, नीचे की तरफ आओगे मैक्सिमम नंबर, नब्बे नब्बे 180, बचा कौन, बचा आपका 0 डिग्री। तो 0 डिग्री को काउंट किया तो टोटल लैटिट्यूड्स कितनी हो गई, 181। टोटल लैटिट्यूड्स कितनी हो गई, 181। अब आगे आगे बात करेंगे, एक और बात आती है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितना फासला होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में दोस्तों फासला होता है आपका 111 किलोमीटर का। कितना फासला होता है, 111 किलोमीटर का फासला होता है। गाइस एक सेकंड रुकिए, मैं आप लोगों के सामने अभी उपस्थित हुआ है ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे किसके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में आपसे बात कर रहा था, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हुई टोटल लैटिट्यूड्स और डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स कितना होता है, 111 किलोमीटर और टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, 181। अब आगे बात करते हैं, आगे बात आएगी तो दोस्तों अब यहाँ पे और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि एक प्रश्न आपका बनेगा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ, भारत के कौन कौन से राज्य से निकलती है, या फिर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कर्क रेखा जो होती है इससे कौन, इसको कौन सी नदी जो है दो बार काटती है, या भूमध्य रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे नदी वाले कंसेप्ट में और आपके इंडिया के कंसेप्ट में, जब इंडियन ज्योग्राफी हमको
फिलहाल आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिए, ये होता है टोटल आपका यहाँ पर लैटिट्यूड से संबंधित बातें जो मेनली आपको ध्यान रखनी है। अब आगे आगे बात करेंगे तो अब आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझना होगा किसका, लॉन्गिट्यूड का, कि लॉन्गिट्यूड कैसे काम करती है। अभी हमने लैटिट्यूड में बात करी, लैटिट्यूड में जो जीरो डिग्री इक्वेटर था वो धरती को दो हिस्सों में बांटता था, नॉर्थ और साउथ में। ये भाई क्या करेगा, ये धरती को दो हिस्सों में बांटेगा, वेस्ट और ईस्ट में। किस किस में बांटेगा, वेस्ट में और ईस्ट में, ठीक है, वेस्ट इधर ईस्ट इधर। अब हमने जब लैटिट्यूड पढ़ा तो लैटिट्यूड में हमने क्या पढ़ा, मौसम को पढ़ा, ठीक है, मौसम बदलने की प्रक्रिया को समझा। ये क्या करेगा, ये समय को बदलेगा, कि समय कैसे बदलेगा, ठीक है। तो अब समझो चीज, जीरो डिग्री जो होगा, जीरो डिग्री ये जो लॉन्गिट्यूड है इसको हम जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच। और इन सभी लॉन्गिट्यूड्स को एक नाम से जाना जाता है, मेरिडियन। सभी लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन भी कहते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हैं। ये जो जीरो डिग्री है इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, समझो, इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंदन के एक शहर से ग्रीनविच से होके, यानी इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से होके गुजरती है, जिसके कारण इसको ये नाम मिला हुआ है। अब आप एक बात और पूछोगे कि हमने ग्रीनविच को ही क्यों माना, भाई दुनिया में किसी को भी मान लेते जीरो डिग्री, जरूरी थोड़ी है इसको मानना। इसलिए माना है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जब इन सब चीजों की शुरुआत हुई तो ये शुरुआत कहीं ना कहीं यूरोप से हुई थी, और जो सबसे पहली बार माना गया था वो ग्रीनविच को ही मान के हिसाब लगाया गया था। तो आगे जब हम मॉडर्न समय में आए तो हमने उसको परिवर्तन करना सही नहीं समझा। क्यों, क्योंकि बेवजह टाइम लगाना पड़ता, उससे अच्छा उसी को मानते हुए हमने आगे कार्य करना शुरू किया। तो अब बात आ जाती है कि यहाँ पर टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती हैं, हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, टोटल लॉन्गिट्यूड्स, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, कुल देशांतर रेखाएं होती हैं आपकी 360, कितनी होती हैं, 360 होती हैं। बात को समझो भाई, आप इस इसे एक बॉल समझो, और इस बॉल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आपके सामने मैं इसका टॉप पॉइंट दिखा रहा हूँ। अब ये टॉप पॉइंट आप देख रहे हो, अब एक बात सोचो, इस टॉप पॉइंट का मैक्सिमम एंगल कितना है, 360। यानी कि अगर आप इसमें रेखाएं खींचनी शुरू करोगे तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4 डिग्री, इस तरह से खींचते जाओगे तो मैक्सिमम कितनी खींच पाओगे, 360। तो 60 से ज्यादा ये नहीं है, दैट इज द कंसेप्ट। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360 होती हैं। इसके बाद अब आगे बात करें तो बात ये आएगी कि इन लैटिट्यूड से हम समय को कैसे काउंट करेंगे। तो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है रोटेट करते हुए, यानी पूरब की तरफ सूरज पहले उगता है, पश्चिम में बाद में उगता है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए एक बात ध्यान रखना, जितने भी देश पूरब में होंगे वहां पर जीरो डिग्री के मुकाबले समय कैसे चलेगा, प्लस में चलेगा, और जितने भी देश जीरो डिग्री से पश्चिम में होंगे वहां पर जीरो डिग्री के मुकाबले, जीरो डिग्री को बेस मानते हुए समय कैसे चलेगा, माइनस में चलेगा। इस कंसेप्ट को जरा आप समझो भाई, पृथ्वी जो है अपना एक रोटेशन, अपना एक रोटेशन कितनी देर में पूरा करती है, 24 घंटे में, है ना। अब पृथ्वी एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा करती है, यानी कि 360 डिग्री कितनी देर में घूम जाती है, 24 घंटे में घूम जाती है। अब 360 डिग्री 24 घंटे में घूमी है तो यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि 360 डिग्री घूमती है 1440 मिनट में। भाई 24 की 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, 1440 मिनट। और मैं कहूँ कि एक डिग्री कितने में घूमती है तो आप क्या बोलोगे, 1440 बटे 360, और ये क्या हो जाएगा आपका, 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। यानी इस क्वेश्चन को ऐसे, इस पॉइंट को ऐसे समझो कि मान लो अगर 0 डिग्री पर 12 बजे होंगे और यहाँ पर आपने एक क्या बनाई, एक आपने यहाँ पर एक 1 डिग्री ईस्ट बनाई, इसका नाम क्या है, 1 डिग्री ईस्ट है। तो 1 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा, 12:04 मिनट। यहीं पर आपने एक बनाई एक और डिग्री, और ये एक डिग्री जो है ये आपकी ऐसे आई, और इस डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 डिग्री वेस्ट। तो इस पर क्या टाइम हो रहा होगा, उसी समय इस पर टाइम हो रहा होगा 11:56 मिनट। तो दैट इज द बेसिक थिंग, 11:56 मिनट, 12:04 मिनट। तो एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। अब इस पॉइंट को ऐसे समझो कि आप अक्सर एक चीज पढ़ते हो कि भारत का मानक समय, जिसे हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, वो कितना होता है, वो होता है आपका 5.5 घंटे। कितना होता है, 5.5 प्लस GMT, ऐसे ही तो लिखते हैं,
तो इसको 5.5+GMT क्यों लिखा जाता है, क्योंकि GMT के मुकाबले ये 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो होगा ये फिर से मैं वही बोलूंगा, ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखो कि GMT प्लस क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5.5 घंटे आगे। ऐसी प्रकार वेस्ट का कोई देश है तो उसमें अगर लिखा होगा कि 4 घंटे -GMT, ठीक है, मान लो कि वेस्ट में कोई देश है जिसपे लिखा है 4 घंटे -GMT, यानी कि वो वेस्ट में पाया जाता है, वहां पे ग्रीनविच के 4 घंटे बाद वो टाइम आता है। बात समझे? तो दैट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड द लॉन्गिट्यूड, ये होता है बेसिक। अब लॉन्गिट्यूड में दो बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियंस है, एक तो 0 डिग्री जिसके हिसाब से हम टाइम को देखते हैं, दूसरी होती है यहाँ पर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दूसरी कौन सी होती है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, और ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हम क्या बोलते हैं? आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। अब सिंपल सी बात सोचो, ये 0 डिग्री है और इसके ठीक पीछे क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर 0 डिग्री पर 12 बजे होंगे तो ठीक पीछे 0 डिग्री पर अगर दिन के 12 बजे होंगे तो ठीक पीछे 180 डिग्री पर कितना बजा होगा? रात के 12। तो यानी इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि रात के 12 बजते ही क्या हो जाएगी? तारीख चेंज हो जाएगी। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री देशांतर रेखा पर रात के ठीक 12 बजे, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। एक और बात, इंटरनेशनल डेट लाइन में जिगजैग पाया जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन में जिगजैग पाया जाता है। जिगजैग क्यों पाया जाता है? ताकि जो वहां पर पाए जाने वाले अलग अलग टेरिटरीज हैं, जो कि अलग अलग देशों से संबंधित हैं, उनकी तारीख में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए उनको हम क्या करते हैं, इसलिए हम उनको यहाँ पर पर्टिकुलरली जिगजैग बनाते हैं। अगली बात करेंगे तो ये तो बात हुई 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में, आइडियल इसको कहते हैं, जिगजैग इसमें पाया जाता है। एक लास्ट बात लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की, वो ये है कि वो कौन सा पॉइंट होता है जहां पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये इसका आंसर आप सब मुझे, जो भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, आप सब बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में लिखकर बताएंगे, दैट विच इज द पॉइंट ऑन अर्थ वेयर द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 0 डिग्री लैटिट्यूड इंटरसेक्ट। तो इट इज अ होमवर्क फॉर यू, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखना जरूर। सो दैट वाज द कांसेप्ट बिहाइंड द लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब आगे चलते हैं, अब आगे आ जाती है बात दोस्तों किसके बारे में, अब बात आ जाती है एपिहेलियन पेरिहेलियन। देखो इस कांसेप्ट को समझाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। या आप अपने सामने एक फिगर देख रहे हो, इस फिगर को ध्यान से देखो, और अगर कभी आपने अपने जीवन में उबला हुआ अंडा खाया होगा तो आप इस फिगर को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। भाई आपने जब कभी उबला अंडा खाया होगा तो उबला अंडा कैसे काटा जाता है? वर्टिकली जब उसको काटते हैं तो बीच में क्या पाया जाता है? यहाँ पर योक होता है, ये होता है योक, और ये होती है इसकी पूरी की पूरी आसपास की एल्बियम कहते हैं इसको, एल्बियम कहते हैं ना। तो ये जो पूरा आसपास का एरिया है और ये बीच में योक है, तो एक बात देखो, जो योक है वो एक तरफ से पास है और एक तरफ से दूर है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि पृथ्वी सूरज का अंडाकार आकार में चक्कर लगाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, यहाँ पर जो योक है वो यहाँ पर सूरज का काम कर रहा है। अब क्या होता है कि साल में 2 बार ऐसी स्थिति बनती है कि एक बार धरती सूरज से बहुत दूर होती है, ज्यादा दूर होती है, और एक बार नजदीक होती है। जब नजदीक होती है इस स्थिति को हम बोलते हैं पेरिहेलियन, इसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन, और दूसरी स्थिति जो होती है इसको हम बोलते हैं एपिहेलियन, को हम बोलते हैं एपिहेलियन। एपिहेलियन और पेरिहेलियन को कैसे याद रखोगे? देखो दूर है, दूर का मतलब क्या हुआ? अवे, और अवे से क्या बन गया? ए से बना अवे और ए से बना एपिहेलियन, ठीक है। फिर पी, पी का मतलब पास, पास हो गया पी, पी से पास हो गया, पी से ही हो गया आपका पेरिहेलियन। सो दैट इज द थिंग। तो पेरिहेलियन और एपिहेलियन आपको पता चल गया कि कब पेरिहेलियन होगा और कब एपिहेलियन। अब बात आ जाएगी तारीख कौन सी होगी, तो तारीख याद करो, जब पेरिहेलियन है यानी नजदीक है तो तारीख कौन सी होगी? तो तारीख है आपकी 3 जनवरी। कौन सी तारीख है? 3 जनवरी। और जब दूर है तो दूर होगा 4 जुलाई को। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर आपने उल्टा बता दिया शायद, ठीक है, क्यों बता दिया उल्टा? भाई दूर है तो ठंड होगी ना, पास है तो गर्मी होगी, है ना। लेकिन मेरे भाई मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था कि मौसम का परिवर्तन दूरी पर निर्भर नहीं करता, दो चीजों पर निर्भर करता है,
वो है 23.5 डिग्री का झुकाव धरती का और अंडाकार आकार में चक्कर लगाना। अगर आपको याद हो तो उस पॉइंट को याद करो। तो इलेप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाना और 23.5 डिग्री पर झुके हुए होना, ये दोनों कंसेप्ट होते हैं जिसके कारण मौसम परिवर्तन, जिसके कारण सीजन में चेंजेस होते हैं, गर्मी सर्दी आती है। दूरी का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता क्योंकि औसतन दूरी की बात करें तो 14,95,97,900 किलोमीटर की दूरी है सूरज और धरती की, और मैक्सिमम दूरी है 15 करोड़ की और मिनिमम दूरी है 14,96,00,000 की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं पड़ेगा किसका, दूरी होने का। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड हैपीहीडन एंड पेरीहीडन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद अब आगे बात करेंगे, अगला कंसेप्ट आएगा दोस्तों आपका किसका, अगला कंसेप्ट आएगा आपका समर सोल्स्टिस विंटर सोल्स्टिस। यहाँ पे जो जानने वाली बात है वो है कि मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि वर्टिकल रेज जो होती हैं ये पड़ती हैं किस पर, इक्वेटर पर, और कर्क रेखा से मकर रेखा तक जाती हैं। अगर वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सोचो, जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो और आप अपनी लाइट, आपके हाथ में कोई टॉर्च होती है और आप उसको पॉइंट करते हो, तो जिस डायरेक्शन में आपने पॉइंट किया हुआ है उस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो हीट एनर्जी ज्यादा होगा। इसी प्रकार से जिस डायरेक्शन पे, जिस पॉइंट पे वर्टिकल रेज गिर रही है वहां पर गर्मी ज्यादा होगी, और जिस पॉइंट पर वर्टिकल रेज कम गिर रही है वहां पर गर्मी कम होगी। यही कंसेप्ट आपको समझना है, पूरे डायग्राम को समझना है। अभी तारीख क्या है, यहाँ पर तारीख मैं सही कर देता हूँ, तारीख होगी 21 जून। क्या तारीख होगी? 21 जून। और वर्टिकल रेज इस समय कहाँ पर गिर रही है? ये गिर रही है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। कहाँ पर गिर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिर रही हैं इसलिए आपके उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? लॉन्गेस्ट डे होगा। क्या होगा? लॉन्गेस्ट डे होगा। और इस दिन को हम क्या बोलते हैं? समर सोल्स्टिस। 21 जून का ये दिन होता है एंड इस दिन हम इंटरनेशनल योगा डे भी बनाते हैं। आई होप सबको पता होगा इंटरनेशनल योगा डे भी इसी दिन बनाया जाता है। फिर धरती अपने चक्र पर आगे बढ़ती है, और धरती अपने चक्र पर जब आगे बढ़ती है तो तारीख आती है आपकी 23 सितंबर। और 23 सितंबर की जब तारीख आती है तो अब वर्टिकल रेज कहां पर गिर रही हैं? अब वर्टिकल रेज गिर रही हैं आपकी इक्वेटर पर। किस पर गिर रही हैं? इक्वेटर पर गिर रही हैं। इक्वेटर पर गिर रही हैं तो इस दिन दिन और रात, डे एंड नाइट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अभी जब आपका ये समय आएगा तो ध्यान दिया करो, इन चीजों को ऑब्जर्व करके ही सीखा जा सकता है। डे एंड नाइट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इस दिन को हम बोलते हैं ऑटोमनल इक्विनॉक्स, और ये भी बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये कहां की बात कर रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिन और रात की अवधि बराबर हो जाएगी, माइल्ड सा मौसम होगा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। इसके बाद धरती फिर अपने चक्र पर आगे बढ़ी और धरती पहुंची आगे, और तारीख आई 22 दिसंबर। तारीख दिन कौन सा आया? विंटर सोल्स्टिस, यानी कि शीतकालीन आयनन। अब कहां पर पड़ रही है वर्टिकल रेज? वर्टिकल रेज अब पड़ रही है आपके मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर पड़ रही है। इस पर पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? लॉन्गेस्ट नाइट होगी, सबसे लंबी रात हो जाएगी। और उत्तरी गोलार्ध में कैसा मौसम होगा? सर्दियों का मौसम, जो भी चल भी रहा है। अभी तारीख आ रही है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर का दिन होता है जिस दिन सबसे लंबी रात होती है। इसके बाद धरती फिर अपने चक्र पर आगे बढ़ेगी और पहुंचेगी 21 मार्च की तारीख। ठीक है, कौन सी तारीख आएगी? 21 मार्च। वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। दोबारे से दिन और रात, नाइट एंड डे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे दोनों गोलार्ध में भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम चल रहा होगा? स्प्रिंग मौसम। ठीक है, दोबारे से जो वर्टिकल रेज है वो वापस उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ने लगेगी और हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल हैं, वो दोबारे से खिलने लगेंगे। तो स्प्रिंग मौसम यानी बसंत ऋतु। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड ऑल दिस। और इस पूरे कंसेप्ट में मैंने आपको पहले भी बताया, केवल दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 23.5 डिग्री का झुकाव जो पृथ्वी अपने पास रखती है, उसके साथ साथ इलेप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाना। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर बिहाइंड द चेंज ऑफ सीजन। ठीक है, मौसम परिवर्तन जो होता है इन दो। क्लियर टू ऑल? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये था हमारा एक पूरा कंसेप्ट, थोड़ा सा मोशन ऑफ अर्थ के ऊपर, थोड़ा सा फैक्ट हमने पढ़े, उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट समझा, एपीहीडियन पेरिहीडियन का कंसेप्ट समझा, और विंटर सोल्स्टिस समर सोल्स्टिस।
आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स. बाकी चीजें इसमें याद करने वाली हैं, और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, दैट इज आई कैन से आफ्टर दिस सेशन. ठीक है, सो दैट वॉज द सेशन गाइज, दैट वॉज द सेशन फॉर यू अबाउट द अर्थ, अबाउट द फैक्ट्स ऑफ अर्थ, अबाउट द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड ऑल. I hope the session is clear to all of you. If the session is clear, please do share, please like the channel, please like our video, please like this video, and do subscribe this channel, Wi-Fi Study Defense Exam, the part of An Academy. And apart from that, if you want any 10% off on any An Academy subscription that you are going to have, then do use this code SEMI10. That is my code, that is my referral code, and it will help you getting the 10% discount. आपको 10% का discount मिलेगा. और इसी डिस्काउंट के साथ फिर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन में आ सकते हैं. जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों हमारे चैनल वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम को. वेरी थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन गाइस. इट वाज नाइस टीचिंग टू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस एंड बाय बाय गाइस.